हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है। आज की इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, क्या काम है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने। ओके दोस्तों, वीडियो स्किप करेंगे तो आपके लिए फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहीं छोड़ सकते हैं ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड्रॉयड ट्रिक्स के बारे में आपको दोस्तों। ओके दोस्तों, दोस्तों वैसे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा खजाना यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड्रॉयड की मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, तो ये ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये ऐप है क्या। सबसे पहले इस ऐप को खोल लेंगे दोस्तों। जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे लॉगिन वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, तो आपको इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक देखने को मिल जाएंगी। इन ट्रिक्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है ये ट्रिक। ओके दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि नाम दिया हुआ है, एंड्रॉयड यूज़फुल ट्रिक। ओके दोस्तों, जैसे ही जाएंगे यहाँ पे, ये सारी ट्रिक आपको इंग्लिश में लिखी हुई हैं और ये ट्रिक वाकई में काम करती हैं। ओके दोस्तों, मोबाइल डेटा कैसे डिसेबल करना है, ये सारी, जैसे कि इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड बाय एनोइंग ऐप्स नोटिफिकेशन, कोई भी एनोइंग ऐप की नोटिफिकेशन आती रहती हैं। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, दीज ऐप्स नोटिफिकेशन ऑल्सो ड्रेन योर फोन्स बैटरी। फोन बैटरी तो ऑब्वियसली बात है जाएगी अगर वो नोटिफिकेशन आएगी तो। इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न देम ऑफ एंड यू आर ऑन एंड्रॉयड वर्जन 4.1 एंड अबव, तो ज़्यादातर अब दोस्तों हर किसी का 4.1 से अबव ही है एंड्रॉयड वर्जन, तो आपको नीचे का प्रोसीजर फॉलो करना है। ऑन एंड एनी योर अनवांटेड नोटिफिकेशन इन योर नोटिफिकेशन बार, लॉन्ग प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बार। ये आपको पता ही होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन में जाके आप उस ऐप की उस नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं उस ऐप से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो ये इसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। मोबाइल डेटा डिसेबल करना है तो कैसे करना है, वो सब डिटेल में दिया गया है। मोबाइल डेटा लिमिट दोस्तों, आपको पता है कि 1.5 GB का ज़्यादातर लोग नेटपैक यूज़ करते हैं पर डे का। अगर आप उसमें भी चाहते हैं लिमिट सेट करना कि आप 1 GB का या फिर इतने घंटे में 1 GB यूज़ कर पाएँ या इतना यूज़ कर पाएँ, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों इसके अलावा बाहर आ जाते हैं दोस्तों, ये ऐप तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, ये काफ़ी अच्छी लगी जनरली, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे एक फीचर है जो मैंने खुद यूज़ किया, इसे बोलते हैं ऐड ओनर इन्फो। ओके दोस्तों, दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कब काम आती है, ये सेटिंग कब काम आती है, ये सेटिंग तब काम आती है इनकेस आपका फ़ोन खो जाता है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन्होंने बोल रखा है कि ये लॉक स्क्रीन पे जाना है आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाके। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों सेटिंग में चले जाते हैं। एक बार सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पे जाना होता है। लॉक स्क्रीन सर्च कर लेते हैं, जैसे ही सर्च कर लेते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओनर इन्फो। इसका ओनर कौन है, आप हैं, तो आपको यहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक टेक्स्ट फील्ड मिलेगी, ये टेक्स्ट फील्ड पे मैंने लिखा है कॉल एड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके दोस्तों, और ऊपर का बटन जिस पे लिखा हुआ शो सिग्नेचर ऑन लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, फ़ायदा ये है दोस्तों, आपकी स्क्रीन जैसे ही लॉक हो जाएगी वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, ये वाला मैसेज कॉल एड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप इसकी जगह अपना कोई ऐसा नंबर डाल दीजिएगा जो इस फ़ोन में नहीं हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, अगर इनकेस आपका फ़ोन खो जाता हो, किसी ऐसे बंदे के हाथ गिर जाता है कहीं पे, समझ लेते हैं, और अगर आपका फ़ोन गिर जाता है और किसी ऐसे बंदे के हाथ में लग जाता है जो आपको फ़ोन रिटर्न करना चाहता है, लेकिन वो आपका फ़ोन खोल नहीं पा रहा है क्योंकि उस पर लॉक लगा हुआ है, तो इसीलिए लॉक स्क्रीन पर ये मैसेज शो हो जाएगा कि आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। और वो नंबर आपको ऐसा डालना जो इस फ़ोन में ना हो, क्योंकि वो इस फ़ोन में कॉल करेगा तो इस फ़ोन पे कॉल आएगी और आपको पता नहीं पाएगा, तो ऐसा नंबर डालना है जो आपके किसी रिश्तेदार का, रिलेटिव का, सिबलिंग का हो, जिससे आपका फ़ोन इजीली मिल जाए। तो इसीलिए लोग यहाँ पे ओनर इन्फो डालते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप की मदद से बहुत सारी एंड्रॉयड ट्रिक सीख सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे, तकरीबन 50 के आसपास ट्रिक्स हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय दोस्तों।